नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे, आप सब लोगों का मेरा YouTube जो चैनल है आयुर्वेदा एकेडमी, इसमें सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि शिशिर ऋतु में हम कैसे बर्ताव करेंगे, शिशिर ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, शिशिर ऋतु में हमारी जो लाइफस्टाइल है वो कैसी, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में सब कुछ बातें आज करेंगे हिंदी भाषा में। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। आई एम MD इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, दैट इज काय चिकित्सा, एंड MD इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, दैट इज दिया शारीर। माय व्हाट्सएप नंबर फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड एज वेल एज पेड ऑनलाइन क्लासेस, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9226810630। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द नेचर यू कैन सी, स्पेशली इन द काश्मीर, इन द हिमाचल प्रदेश, इन इंडिया, but outside in the Germany, in Michigan, in America, you will find most of the time snowfall, intermittent snowfall in this Shishira Rutu Charya. That means Shishira Rutu. Shishira Rutu is like a late winter. Winter, that is the December month, Hemanta Rutu. But after Hemanta Rutu or the season, there is Shishira Rutu, which is still more cold and chilly weather is there. So many times at many places, all over the world, there will be snowfall in Shishir Rutu or the late winter season. Okay. So, हमारे शरीर पर, ये तो आप जानते हैं कि ऋतुओं का प्रभाव पड़ता ही है। आयुर्वेद मानता है कि human being and the nature are compatible with each other. So, they should try a friendship in between the human being and the nature. When friendship exists, your health is okay. But if the friendship is becomes the enemy, then the nature can hit you. Remember my words. So, हमारी तबीयत अच्छी रखने के लिए, आरोग्य संपन्न होने के लिए, एक तो हमारी प्रकृति आपको जाननी चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त प्रकृति है, पित्त कफ प्रकृति है, तो उसके अनुसार हमारा आहार विहार होना चाहिए या लाइफस्टाइल होनी चाहिए। दूसरी बात है दिनचर्या के बारे में। दिनचर्या का मतलब डेली रूटीन, 24 आवर्स में हम कैसे बर्ताव करेंगे। और थर्ड फैक्टर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, टू बिल्ड अप आवर इम्यूनिटी, इज ऋतुचर्या और सीजनल रेजिमेन। वो नेचर जो है वो हमारे शरीर पर कुछ इफेक्ट करता है, वो जो इफेक्ट्स हैं उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे जीवन शैली हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे शरीर पर ऋतुओं का, सीजन्स का इन्फ्लुएंस है, प्रभाव पड़ता है। एक एक ऋतु में कोई एक दोष बढ़ जाता है, जैसे कि वात बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा या कफ बढ़ेगा, तो कोई शांत हो जाता है और दूसरी ऋतु ले ली तो अलग कोई दोष बढ़ेगा, अलग कोई दोष शांत हो जाएगा। अतः आयुर्वेद ने प्रत्येक ऋतु में दोषों में होने वाली वृद्धि, प्रकोप या शांति के अनुसार सब ऋतुओं के लिए अलग अलग प्रकार के खान पान और रहन सहन, आहार विहार, जीवन शैली का उल्लेख किया गया है आयुर्वेद में। सो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर प्रिवेंशन, एंड ऑलवेज यू रिमेंबर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये छह ऋतु कौन से हैं? एक वर्ष में मुख्य रूप से तीन मौसम या ऋतु आते हैं, जैसे गर्मी का मौसम है, ठंडा ठंडा शीतकाल है, और वर्षा ऋतु है, रेनी सीजन है। ये तीन मौसम छह ऋतुओं में बांटे गए हैं। ये ऋतु कौन से हैं, उनके नाम क्या है? आयुर्वेद कहता है शिशिर वसंत ग्रीष्म, वर्षा शरद हेमंत। प्रत्येक ऋतु दो दो मास की होती है। आगे चलते हैं, तो ये विभिन्न ऋतुओं में जो दोषों की अवस्था होती है वो एक टेबुलर फॉर्म में बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो वात दोष है हमारा शरीर का, पूरी हलचल जो है, दिस इज द एनर्जी, बायो एनर्जी फॉर द मूवमेंट, सटल मूवमेंट एंड ग्रॉस मूवमेंट। पित्त इज अ एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, फायर। कफ इज अ एनर्जी फॉर न्यूट्रिशन एंड स्टेबिलिटी। तो ये तीनों दोष हमारे शरीर में रहते हैं, उनका थोड़ा बहुत वृद्धि क्षय अप डाउन हो जाता है। वात ऋतु का संचय, जस्ट एक्यूमुलेशन, इज इन द ग्रीष्म ऋतु। उसका जो प्रकोप है वो वर्षा ऋतु में हो जाएगा, और प्रशम, उसकी शांति कब हो जाएगी? शरद ऋतु में। वात दोष ठीक ठाक रहेगा, होम्योस्टेसिस में रहेगा। पित्त दोष की हमें बात चलानी है तो वर्षा ऋतु में स्टैग्नेशन या एक्यूमुलेशन चलता रहेगा, शरद ऋतु में अक्टूबर हिट में पित्त प्रकोप हो जाएगा, और हेमंत ऋतु में ठंडा सीजन में ये पित्त दोष अपने आप शांत हो जाएगा। कफ दोष के बारे में
अभी जो मैंने बात चालू करने वाला हूं, शिशिर ऋतु में एक्यूमुलेशन चालू हो जाता है। ध्यान से सुनिए, इस दफा ये शिशिर ऋतु में कफ दोष की संचिति होती है, एक्यूमुलेशन होता है, और आगे चलकर मार्च और अप्रैल महीने में वसंत ऋतु में कफ प्रकोप हो जाता है। उसी के लिए, वो कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद ने वासंतिक वमन उपचार बताया है। स्प्रिंग सीजन में थेराप्यूटिक वोमिटिंग करके हम कफ दोष को बैलेंस कर सकते हैं, और नेचुरल तरीके से ग्रीष्म ऋतु में कफ दोष अपने आप शांत हो जाएगा। अभी अब बात करेंगे शिशिर ऋतु की। शिशिर ऋतुचर्या, शिशिर ऋतु कौन सा है? तो भारतीय मास से करीबन अप्रोक्सीमेटली ये महीने आते हैं माघ और फाल्गुन महीना। अंग्रेजी इंग्लिश तरीके से देखा जाए तो जनवरी और फरवरी महीने ये शिशिर ऋतु वाले महीने हैं। ऋतु शुरू होने के चिन्ह क्या है? शिशिर ऋतु में शीत अधिक हो जाता है, ठंडी ठंडी चिल्ड विंड रहती है, दिशाएं, सब दिशाएं वायु और वर्षा से व्याप्त रहती है। शेष लक्षण जो है, बाकी के लक्षण, वो हेमंत ऋतु के समान ही होते हैं। तो हेमंत और शिशिर में बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो एक जैसे हैं। ध्यान से सुनिए, आगे चलते हैं। शिशिर ऋतु में दोष के बारे में कहा है, शिशिराहा शीतलो अतीव रुक्षहा वात अग्नि वर्धनाहा, संस्कृत कोटेशन। इस ऋतु में अतीव रुक्षता बढ़ जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाता है हमारे शरीर का, और वात की वृद्धि होती है। ड्राइनेस क्योंकि वात की प्रॉपर्टीज क्या है, तत् रुक्षो लघुशीता खर सूक्ष्मश्चरो नीला। एक्सेसिव ड्राइनेस से हमारे जॉइंट्स जो हैं, हड्डियां जो हैं, मसल्स जो हैं, वो अकड़ जाते हैं ज्यादा ड्राइनेस होने से। और उसके साथ साथ ये ठंड मौसम में अग्नि का वर्धन है, हमें भूख लगती है, ज्यादा खाना चाहिए आदमी को, नहीं खाया तो तकलीफ हो जाएगी। इस ऋतु में कफ दोष एक्यूमुलेट हो जाता है, संचित होता है। अत्यधिक शीतलता और रुक्ष ड्राइनेस होने के वास्ते वात दोष बढ़ जाता है, अग्नि भी अत्यंत वर्धित अवस्था में होती है, तीव्र अग्नि रहता है, पेट में भूख लगती है, हमेशा खाने का जी करता है ना। ऋतुचर्या उपपत्ति सूत्र, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इस ऋतु में वातावरण में ठंड बढ़ जाती है और रुक्षता भी बढ़ती है, ड्राइनेस एंड कोल्ड फैक्टर। मनुष्य को भूख ज्यादा लगती है, इसलिए हेमंत ऋतु का जो हमने आहार बताया है उसी तरह का आहार शिशिर ऋतु में भी करना चाहिए। रुक्षता ज्यादा रहने से ज्यादा स्निग्ध, क्योंकि रुक्षता के अपोजिट क्या है, रुक्ष अपोजिट स्निग्ध, ड्राइनेस अपोजिट एंग्जियसनेस। तो ये स्निग्ध और उष्ण, क्योंकि शीत का अपोजिट कैसे, उष्ण है, हमें काउंटर बैलेंस करना है। ध्यान से सुनिए वर्ड, काउंटर बैलेंस करना चाहिए। जो भी बाहर बढ़ा है उसी को हमें शांत करना है। शीतता बढ़ी है तो हमें वार्म उष्ण पदार्थ लेने चाहिए, रुक्षता बढ़ी है हमें स्निग्ध पदार्थ लेनी चाहिए। तो स्निग्ध और उष्ण अन्न का उपयोग करें। तिल गुड़ देते हैं, ये मकर संक्रांत आ जाती है, 14th of January मकर संक्रांत। और क्या करते हैं पूरे देश में या अलग अलग देशों में, तिलगुल नाम का एक स्वीट्स बनती है, तिलगुल। तो तिल और गुड़, सीसेमी एंड जैगरी, दिस इज द स्वीट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज शेयर्ड अमंग्स द पीपल। सो तिलगुड़ घ्या, गोड बोला, टेक द तिलगुड़ एंड स्पीक स्वीट, बिकॉज स्वीट वर्ड्स, हाउ दे आर स्वीट वर्ड्स, स्वीट वर्ड्स आर ऑलवेज अंचस स्निग्ध, स्वीट वर्ड्स आर ऑलवेज वार्म, हमें वार्म अफेक्शन फील हो जाता है, और हम गालियां देते हैं तो रुक्षता बढ़ जाती है। तो हम इस सीजन में हमेशा कहते हैं कि स्निग्धता और उष्णता का हमें ध्यान देना है। तो इसी के लिए तिलगुड़ भी स्निग्ध और उष्ण है, और हमारी वाणी जो है वो भी स्निग्ध और उष्ण है। ये देखिए, हैप्पी मकर संक्रांत, ये तिलगुड़ है, लड्डू है, लड्डू, पतंग का मौसम है, क्योंकि हमें वार्म होना चाहिए। तो सूर्य दर्शन के लिए आगे चलकर हम टेरेस पर जाएंगे और वो पतंग की खेल खेलेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्निग्धता और उष्णता, फ्रेंडशिप बढ़ जाएगी और वार्मनेस भी बढ़ जाएगा। तिलकुट की खुशबू, दही और चूड़े की बहार, मुबारक हो आप सबको नया साल का पहला त्योहार, ऐसी मैं शुभकामना करते हुए आगे चलता हूं। शिशिर ऋतु में क्या सेवन करना चाहिए? शिशिर ऋतु का आहार या फूड
हेमंत ऋतु जैसे ही होता है, इस ऋतु में, शिशिर ऋतु में, शरीर में रुक्षता बढ़ती है, ये लिप्स ड्राई हो जाते हैं, आंखें ड्राई हो जाते हैं, हाथ पैर ड्राई, स्किन ड्राई, रूखा रूखापन आ जाता है। इसलिए जो अभी आगे चलकर हम आहार द्रव्यों का बात करेंगे वो उसी का सेवन करना चाहिए। दूध लेना चाहिए, घी लेना चाहिए, अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। दही दोपहर के खाने में कभी कभी सेवन करें, ध्यान से सुनिए, कभी कभी मैं कह रहा हूं, दोपहर को कह रहा हूं, रात को नहीं। दही रात को लेना नहीं है, क्योंकि कफ संचय, कफ एक्यूमुलेशन है। हर रोज दही खाना निषिद्ध है, हर रोज बिल्कुल दही का सेवन मत करो। आगे चलते हैं। शाकाहारी व्यक्ति ने श्रीखंड, क्योंकि अग्नि का वर्धन है, हमें भूख लगती है, स्निग्धता चाहिए, वार्मनेस चाहिए, तो श्रीखंड, खीर, पेड़ा, बर्फी, जलेबी जैसे पकवान खा सकते हैं, स्वीट्स। मांसाहारी व्यक्ति मटन सूप, चिकन सूप, पाया सूप सेवन कर सकती है, खीमा, काजू उसमें डालिए और वो सेवन कीजिए। लौकी का हलवा बादाम मुनक्का डालकर खाना चाहिए, लौकी का हलवा, स्वीट्स। दाल के पानी में घी डालकर, स्निग्ध है ना, घी, घी डालकर गरम गरम ही पीना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? शीतल अन्नपान बिल्कुल नहीं, फ्रीज्ड प्रोडक्ट्स जो हम फ्रीज में रखते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए शिशिर ऋतु में। कटु, थोड़ा सा मसाला, तिखट, त्रिकटु, सुंठ, मरीच, पिपली, तिक्त, कड़वा और कषाय, कसैला या चरपरा रस, वातवर्धक अन्नपान सेवन करना ये निषिद्ध है। ज्यादा तीखा खाया, ज्यादा कड़वा खाया, ज्यादा कसैला रस का सेवन किया तो वात बढ़ेगा और आपके जॉइंट पेन चालू हो जाएंगे, बॉडी एक चालू हो जाएगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, वात बढ़ता है तो इम्यूनिटी कम होती है और अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस। प्रमित आहार, ये भी गलत चीज है, क्योंकि अग्नि तो स्ट्रांग है तो हमें खाना अच्छी तरह से खाना चाहिए। अब नपातुला, अत्यल्प भोजन सेवन करे तो ये बात नहीं चलेगी शिशिर ऋतु में। भरपेट खा जाइए अपने अपने अग्नि के अनुसार। आगे चलते हैं, आगे की बात लेकर ये देखिए, थोड़ा सा पहले वाला देखते हैं। शिशिर ऋतु में सेवनीय विहार क्या है? ये जो लाइफस्टाइल है वो हेमंत ऋतु जैसे ही होनी चाहिए। शिशिर ऋतु हेमंत की अपेक्षा तुलना कर किया तो ये शिशिर ऋतु अधिक ठंडा है, अधिक शीतल, अधिक रुक्ष है। छह ऋतुओं में शिशिर ऋतु सबसे अधिक शीतल है। मैक्सिमम कोल्ड कब मिलेगी आपको? इस शिशिर ऋतु में मिलेगी। शिशिर ऋतु ये आदान काल का प्रारंभ है। आदान काल, आदान का मतलब टेक अवे। स्लोली एंड स्टेडिली सन एंड नेचर विल टेक अवे योर स्ट्रेंथ। आदान काल, आदान, और विसर्ग काल में शक्ति दी जाती है। निसर्ग मनुष्य को शक्ति देने का काम विसर्ग, बैक लेने का काम आदान काल। तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म लिख दीजिए, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, आदान काल। तो स्टेप बाय स्टेप शिशिर ऋतु में हमारी स्ट्रेंथ 25% खींची जाएगी, वसंत ऋतु में और आगे चलकर 30% और आगे चलकर, और लास्ट में ग्रीष्म ऋतु में तो बहुत सारी हमारी एनर्जी चली जाएगी। वर्षा ऋतु में फिलहाल एक बार शक्ति मिल जाएगी, वर्षा ऋतु में 30% नेचर ने आपको स्ट्रेंथ दे दी, शरद ऋतु में और 60% हो गई, और हेमंत ऋतु में मैक्सिमम आपको स्ट्रेंथ मिली होगी। फिर अभी चल रहा है शिशिर ऋतु, तो उसमें ज्यादा ड्राइनेस है और हमारा जो स्ट्रेंथ है वो धीरे 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 कम हो जाएगा, तो उसके लिए हम स्ट्रांग रहेंगे। ये आदान काल का प्रारंभ, अतः रुक्षता बढ़ने लगती है। इन सब को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति आपको और वातावरण को निवात, ज्यादा ठंडा नहीं चाहिए, विंड से बचना चाहिए, उष्ण रखने का प्रयास कर सकते हैं। पथ्य क्या है देखिए शॉर्ट में, शुक धान्य, गेहूं, नए चावल और बाजरा ले सकते हैं। शाक वर्ग में लौकी, भिंडी, तरोई, कुंदरू, कड़ू पालक, पत्ता गोभी, टमाटर खा सकते हैं। चिंबी धान्य में उड़द, चौली, मूंग खा सकते हैं।
मांस वर्ग के उदाहरण में मटन, चिकन, मछली, झींगा, ब्लॉस्टर माउस चल सकता है। कंदमूल में सूरन, गाजर, चुकंदर, अदरक, शकरकंद, साबूदाना बिल्कुल खा सकते हैं आप। फल वर्ग में अंगूर खा सकते हैं, अखरोट, छुहारा, सेब, सूखा नारियल, संतरा, चीकू, अनानास, फलसा खा सकते हैं, पथ्य है ये। दूध में आप दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, घी, मक्खन, खोआ, पनीर, चीज, मलाई, छाछ, पीयूष सब ले सकते हैं। इतर फूडस्टफ में अदर, मिठाइयां, शक्कर, तील, काजू, बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, इससे स्निग्धता मिलेगी और उष्णता भी मिलेगी। पानी में हमेशा 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 गुनगुना पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी बिल्कुल सेवन मत करें, आइसक्रीम मत खाइए, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स मत लीजिए शिशु ऋतु में, नहीं तो गले में खराश हो जाएगा। ये देखिए, अपथ्य की बात करेंगे तो शुक्र धान्य में ज्वार नहीं लेना चाहिए, नाचनी, जव, पुराने धान्य नहीं लेने चाहिए। शाक वर्ग में सूखी मेथी, सूरजमुखी, सहिंजन, करेला, बैंगन नहीं लेना चाहिए। छिम्बी धान्य में मसूर, वाल, मटर, इससे वात बढ़ता है, पेट में गैस हो जाएगा, गैस, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, तो मसूर, वाल, मटर, चना बिल्कुल नहीं लेना, इससे वात बढ़ता है, गैसेस बढ़ जाते हैं। मांस वर्ग में सूखा मांस, भुना मांस, केकड़ा नहीं लेना है। कंदमूल में मूली, लहसुन, सिंघाड़ा, कमलगट्टा, नवलकोल नहीं लेना चाहिए। शिशिर में देखिए, वुलन क्लोथ चाहिए, ठंड ज्यादा है ना, ये फायर हाउस घर में बनाया है, ये रूम हीटर्स लगा सकते हैं, वैसलीन बहुत अच्छा है इधर उधर लगाने के लिए, और आयुर्वेद की तरफ से स्नेहन और स्वेदन करना चाहिए। स्नेहन का मतलब है स्निग्ध और स्वेदन का मतलब है उष्ण, तो स्निग्ध और उष्ण का मतलब ऑयल मसाज, फुल बॉडी मसाज और नाड़ी स्वेद या पेटी स्वेद से आप फुल फोमेंटेशन कर सकते हैं। अपथ्य क्या है शिशिर ऋतु में, जामुन नहीं खाना है, अजवायन, जीरा, लाल मिर्च, तली चीजें, दालचीनी, राई नहीं लेनी है, ठंडा पानी तो कभी भी मत लो। सो मेरे प्यारे दोस्तों, यह हो गया शिशिर ऋतु का हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए और उसमें क्या परहेज रहना चाहिए, सब बातें मैंने आपको कह दी। कौन सी भी मेडिसिन के बारे में मैंने ज्यादा बात नहीं की है, फिलहाल कभी कभार मेडिसिन के बारे में ध्यान में सुनिए कि वैधानिक इशारा, डिस्क्लेमर, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना बहुत जरूरत है। तो आगे चलते हैं, यहां पर आगे का हम स्कोर बोर्ड देखेंगे और आगे की स्लाइड देखेंगे। चलो यहां पर ये देखिए, थोड़ा सा इंटरमिटेंटली कुछ डिस्टर्बेंस इंटरनेट के द्वारा हो सकता है, फिलहाल शायद